विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने फूंका आतंकवाद का पुतला। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। आतंकवादियों का समुचित इलाज करे केंद्र सरकार। खबर पिछोड़ क्षेत्र से आ रही है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन कर 9 जून को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय हिंदू तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले का विरोध जताया है। विहिप ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए इन गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण लगाने की मांग की है। इस दौरान आतंकवाद की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है। सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि तीर्थ यात्रियों के आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी, जिसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस घटना की निंदा करता है। इस घटना को लेकर राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करें। धारा 370 हटने के बावजूद भी हमारे देश में श्रद्धालु तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। अगर सरकार ठोस कार्यवाही नहीं कर पाती है तो देश के लोगों पर यह अन्याय होगा, जो इस देश के नागरिक है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिलाध्यक्ष। अच्छा पवन जी, आज जो पुतला दहन किया गया है, क्या कुछ कहना है आपका? बजरंग दल द्वारा पूरे देश के अंदर पुतला दहन किया जा रहा है आतंकवाद के विरोध में। हमारे देश में यात्रा करने का एक धार्मिक देश है, हिंदुओं का देश है, सभी को अधिकार है। तो निरीह यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की जो आतंकवादियों ने हत्या की कश्मीर के अंदर, वो निश्चित रूप से जघन्य अपराध है। उस जघन्य अपराध की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा और भर्त्सना करता है। और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ माननीय राष्ट्रपति महोदय से को के नाम से ज्ञापन देता है कि प्रधानमंत्री जी शीघ्र से शीघ्र आतंकवादियों के विरोध कठोरतम कार्रवाई करें, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद भी आतंकवाद पोषित हो रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। तो इसके बाद और भी इससे बड़ी कठोर कार्रवाई सरकार को आतंकवाद के विरोध में करना चाहिए। यदि नहीं करेगी तो निश्चित रूप से देश के लोगों के साथ अन्याय होगा।